एक तरफ चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। चीन पाकिस्तान तक 1800 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की योजना बना रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये रेल लाइन पीओके से होकर जाएगी। चीन भारत के खिलाफ चौतरफा चाल चल रहा है। नरेंद्र मोदी बेहतर संबंधों की आस लगाए हैं, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने के बाद अब चीन ने एक बेहद ढीठ हरकत की है। चीन पाकिस्तान तक रेल लाइन बिछाने जा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये रेल लाइन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरेगी। योजना के मुताबिक चीन के सीमावर्ती प्रांत शिनजियांग के काशनगर शहर से रेल लाइन शुरू होगी और ये पीओके होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचेगी। इस रेल लाइन से इस्लामाबाद और कराची शहर भी जुड़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग 1800 किलोमीटर का होगा। शिनजियांग के प्रांतीय विकास और सुधार आयोग के निदेशक झांग चुनलिन ने इस बारे में जानकारी दी। इस रेल लिंक के प्रारंभिक अध्ययन के लिए चीनी सरकार फंड भी मुहैया करा चुकी है। अभी जो पीओके में जो चाइना कर रहे हैं, ये एक लंबी एक प्लानिंग के मद्देनजर किया जा रहा है, और अभी भी हम देखें तो हमारी जो गतिविधियां हैं वो उस लेवल की नहीं है, और अभी भी हम रिएक्ट करेंगे ना कि एक्ट करेंगे, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम भी अपने आप को सतर्क मान लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लें, और हेलीकॉप्टर वो जैसे जो जो कि दारोमदार है लद्दाख में हमारे ऊपर रहने का, उनके बार बार ये प्रोग्राम पीछे खिसक जाता है, उसका पूरा करें और सारे साजो सामान को पूरा कर लें, क्योंकि 2,00,000 करोड़ का इक्विपमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर कम है, इसको जल्दी से जल्दी सरकार पूरा कर ले। चीन ने जम्मू कश्मीर के उस इलाके में रेल लाइन बिछाने की प्लानिंग की है जहां फिलहाल पाकिस्तान का कब्जा है। पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद अभी सुलझा नहीं है। ऐसे में चीन का रेल लाइन बिछाना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। ये भारतीय सामरिक हितों के खिलाफ भी है। पाक समर्थित आतंकवादी इस रेल लाइन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में भी कर सकते हैं। भारत अपनी इन्हीं चिंताओं को चीन के सामने भी उठा चुका है। ये बनाना जो है ये दिखा रहा है भारत को कि हमको आप जो कुछ कहें हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं इनका, वो म्यांमार में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, पाकिस्तान में, सब जगह ये पोर्ट्स बना रहे हैं। इधर हिमालय पे ये ट्रेन बना रहे हैं, हमारे सीमा पे ये बिल्कुल आगे आके और बार बार इंकर्शंस करते हैं, क्लेम कर रहे हैं हमारी टेरिटरी। नेपाल में तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त हो गया है, म्यांमार में बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो इनकी तो पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इंडिया को पूरी तरीके से घेरा के रखो। ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली रेल लाइन पाकिस्तान और चीन को और नजदीक ला सकती है। रेल लाइन के अलावा दोनों देश तेल पाइपलाइन बिछाने की योजना भी तैयार कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के हाथों में है। पाकिस्तान ने इसकी देखरेख का जिम्मा चीन को दिया हुआ है। ग्वादर पोर्ट ओमान की खाड़ी के पास है। ये इलाका तेल के टैंकरों की आवाजाही का रूट है। चीन ग्वादर पोर्ट से शिनजियांग तक तेल पाइपलाइन बिछाना चाहता है। चीन भारत से लगी हुई सीमाओं में लगातार बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है। सीमा इलाकों में वो सड़क नेटवर्क को मजबूत बना रहा है। दूसरी तरफ भारत अगर कभी चीन सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचा सुधारने की कोशिश करता है तो चीन आपत्ति दर्ज कराता है। जाहिर है नई सरकार को जरूरत है चीन की चालों से सतर्क रहने की।